आज मनुष्य जितना सभ्य होता जा रहा है उतना ही लापरवाह होता जा रहा है। सुविधाओं की आड़ में मनुष्य जिस धरती पर रहता है और जिस धरती को माँ कहता है, साथ ही जिस वातावरण में सांस लेता है उसे ही बर्बाद करता जा रहा है। इन बातों ने दुर्ग जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य और समाज सेवी श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू पर इतना गहरा असर डाला कि वे खुद ही चल पड़ी इन समस्याओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने। आइए आप भी देखिए कि ये किस तरह से प्रकृति के साथ वातावरण और बेजुबान पशुओं के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शर्मा आपका ग्रैंड एशिया न्यूज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभियान बहुत सारे चलते हैं, पहल बहुत सारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव में योजनाएं भी दम तोड़ देती हैं, अच्छी पहल जो होती है शुरू वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे साथ आज एक महिला है जिनका नाम है श्रद्धा पुरेंद्र साहू। इन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की है और इसके तहत ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को, पूरे देश को पॉलिथीन से मुक्त करना चाहती हैं। लेकिन क्या ये संभव है? संभव हो सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि आप और हम पहले जागरूक हों। और एक बात आप इनकी बातें सुनिए कि इन्होंने किस तरह से इस पहल को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आइए मिलते हैं श्रद्धा पुरेंद्र साहू मैडम। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने ऐसा सुना है कि आपने कुछ एक पहल की है पॉलिथीन को बंद करने को लेकर। जाहिर सी बात है, पॉलिथीन हमारे शरीर के लिए ही नहीं पूरे वातावरण के लिए नुकसानदेह है। तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, ऐसा क्या प्रयास कर रही हैं जिसकी वजह से हमने ऐसा सुना है कि आपको बहुत सम्मान भी मिले हैं इसको लेकर के, तो बताएंगे अपनी छोटी सी पहल शुरू से बताएंगे क्या आपने की। हमने भोजन व्यवस्था पे फोकस किया, जो सभी चीजों का जड़ है भोजन, और भोजन हमें प्राप्त होता है धरती माता से। तो मैंने देखा कि कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त अभियान, प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो रहा है ये हम सब जान रहे हैं, तो कंटिन्यू न्यूज में देख रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा 20-25 साल पहले अपने बचपना को याद किया कि जब हम उस समय भोजन व्यवस्था करते थे, कोई भी अनुष्ठान करते थे अपने घर में, सुख का हो दुख का हो, तो हम पेड़ वाला पत्ता यूज़ करते थे, और या तो घर में पॉसिबल हो पाता 20-25 लोगों का तो आस पड़ोस से भी खाली कलेक्ट करके एक दूसरे के घर से बर्तन लाके हम भोजन व्यवस्था कराते। पर आज इतनी सुविधा और आधुनिकता के दौर पे और कहीं ना कहीं असंपन्नता ऐसी है कि हम किसी के घर से मांगने के लिए भी शर्माते हैं, तो इसलिए बहुत सारे रीज़न बनते गए जिससे हम प्लास्टिक कोटेड बर्तन जो रेडीमेड मिलता है जिससे बहुत बदबू आती है, और दूसरी बात गिलास के लिए डिस्पोजल यूज़ करते हैं जो इतना हार्ड प्लास्टिक होता है कि वो कहीं डिस्पोज होता ही नहीं। तो इसको जब हम फेंकते हैं खा के, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि डॉगी, गाय, ये सब एकदम से वहाँ पे झूम जाते हैं कि उनको 2-4 दाना वहाँ पे मिल जाए, और उसको 2-4 दाना ढूंढते ढूंढते कई गाय मैं देखी हूँ कि वो पत्तल को खा लेती हैं। अब वो पत्तल जब वो खाती हैं तो पेट में उनके जाता है, और दूध कौन पीता है? हम मानव, हमारे बच्चे, हम। और जब हम वो हार्मफुल जो पत्तल है बदबूदार उसमें जब गर्म भोजन डालते हैं तो सबसे पहले तो हमको नुकसान होता है, फिर जब हम फेंक देते हैं कि गीला रहता है, जलाते भी नहीं, हम जलाएंगे भी तो उससे हानिकारक गैस निकलेगा, तो फेंक देते हैं गाय को नुकसान, नहीं फेंकते तो मिट्टी चट्टान बन रही है प्लास्टिक खा खा के। तो मैंने देखा कि हम सब कहीं ना कहीं बहुत धर्म से जुड़े हैं, संस्थानों से जुड़े हैं, लेकिन इतना भी बड़ा करोड़ों रुपए का हम आयोजन करा लिए और 56 भोग भी रख लिए, लेकिन हम खा रहे हैं प्लास्टिक में और धरती माता को खिला रहे हैं प्लास्टिक। फिर वही कचरे को नगर निगम हो चाहे ग्राम पंचायत हो, वो फिर उनको फिर पैसा खराब कर दिया अपना खर्चा करके साफ कराने में, उसी कचरे का स्थानांतरण हो रहा है, वो कहीं से खत्म नहीं हो रहा है। और फिर हमने देखा अभी महामारी, जो हम प्रकृति को दिए वापस प्रकृति ने हमको दे दिया, तो इसके लिए फिर
स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है। मैंने देखा कि जब पहले हम पड़ोसी के घर से लाते थे कचरा नहीं होता था, लेकिन ऐसा क्या रीजन है? तो मुझे लगा कि ये संपन्नता है। और थाली का साइज, गिलास का साइज स्वाभाविक है, सबके घर का अलग अलग रहता, तो शर्माने लगे हैं लोग। तो फिर मेरे मन में आया कि जब मैं एक जैसा थाली दूंगी, 50 लोग 100 लोग बैठ के खाएंगे, अगर एक जैसे खाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, शुद्धता भी रहेगी, और आपका पैसा कचरे में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक अनुष्ठान कराते हैं तो 2-3 हज़ार का कचरा खरीद लेते हैं और वापस फेंक देते हैं। तो ये काफ़ी सक्सेस रहा। तो मैंने पहले तो 100 बर्तन खरीदे, 100 थाली और 100 गिलास, 100 चम्मच, 100 कटोरी मैंने खरीदा। और फिर जैसे मेरे में निमंत्रण आता तो मैं उनको फिर फ़ोन नंबर से कॉन्टेक्ट करती कि आप अपने मेहमानों को शुद्ध और स्वच्छ भोजन कराइए, आप इतना अनुष्ठान करा रहे हैं, बर्थडे करा रहे हैं, तो आप धरती माता को प्लास्टिक मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारा आइटम रखेंगे, बर्थडे आपके घर से मेहमान खुश होकर जाएगी, लेकिन प्रकृति को आप रुला रहे हैं, है ना। तो ये बातें ना लोग समझने लगे, बहुत अच्छे से स्वीकार की। और जब बर्तन ले जाते गए, डिमांड बढ़ता गया, तो फिर मैंने इसको 500 किया, 500 थाली 500 गिलास मैंने फिर से खरीदा। और फिर उसके बाद टीम बना करके महिला स्व सहायता समूह, जो अच्छे युवा वर्ग हैं, युवा मंडल, उनसे फिर कॉन्टेक्ट करके वो छोटा छोटा मीटिंग कर करके उनको मैं मोटिवेट करती गई गांव गांव जा करके। तो बहुत लोग जुड़े और बहुत अच्छे से ये कार्य चल रहा है। अभी करीब 35 से 40 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक की स्थापना हो चुकी है अलग अलग जगह पे। और स्वच्छ भारत मिशन ने भी मुझे गांव को कैसे स्वच्छ रखें, जो आप मुहिम चला रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या होगा, तो मुझे एक स्टोरी मांगा गया था, उन्होंने स्टोरी लिखकर दिया उनको, फिर उन्होंने दिल्ली भेजे उस स्टोरी को, और सक्सेस हो गए। टीम आई वहाँ पे, ये स्टोरी उनको अच्छा लगा, तो टीम आकर के यहाँ पे निरीक्षण किए थे, और जब उनको सक्सेस लगा तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया कि अपने सभी स्वच्छाग्राही महिलाओं को निर्देश दिए हैं कि आप बर्तन खरीदिए और अपने वहाँ को कचरा मांग दीजिए। मैडम, आपका अभियान अभी सिर्फ ग्राम ग्राम पंचायत तक सीमित है, तो इसको आप और कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? क्या शहरी जो परिवेश है, क्या जैसे गांव में आपको इस अभियान में सक्सेसफुल हो रही है, आपको बहुत सफलता मिल रही है, आपको लगता है कि शहरी क्षेत्रों में ये अभियान काम कर पाएगा? जी सर, बिल्कुल। शहरी क्षेत्र में भी ऐसा है कि यहाँ पे बैठा के नहीं खिलाते हैं हम, बफर सिस्टम होता है, अपना निकालिए खाइए। पर यहाँ भी हम जो गिलास रखते हैं डिस्पोजल, वो ना रख करके हम कांच का गिलास या स्टील का गिलास रखें, और परमानेंट वहाँ पे सफाई के लिए एक किसी को रोजगार दे दें, महिला को या पुरुष को, तो उनको भी रोजगार मिल जाएगा। और बहुत सफाई से हम अपनी ईमानदारी से अगर काम करें तो सफाई के साथ रखते जाए तो काफ़ी लोग पसंद करेंगे। और ज़्यादा सेफ्टी है तो आप अपना बॉटल खुद लेके आइए, जब लोग देखेंगे कि हमको वहाँ पे गिलास में पीना पड़ रहा है या सफाई नहीं है, खुद लेकर के चलेंगे। बॉटल आज भी लोग खरीद के पी रहे हैं। तो और शहर में हम बफर में भी बैठा के खिलाने के लिए, तो ये मैंने बताया, लेकिन बफर में भी हम जा जाकर टीम, जहाँ से मुझे निमंत्रण मिला रहता है, मेहमान के रूप में बुलाते हैं, वहाँ पर जा करके हम एक भोजन के लिए एक प्लेट चाहिए हमको, और कटोरी डिस्पोजल के लिए जो लेते हैं ना, तो जब हमारे थाली में कुछ अन्न बच जाता है डिस्पोजल में, जैसे रायता बच गया, गाजर का हलवा बच गया, और प्लेट, हम सभी चीज़ों को एक ही कंटेनर में डाल देते हैं, उससे होता क्या है कि भोजन के साथ कटोरी भी है और धोने वाला जो है, वॉश करने वाला, एक साथ फेंक देता है, तो वो भोजन पूरा सड़ता है, कैसे खाएगा जानवर, खाता भी है तो तरस के खाता है। तो हमने उसके लिए भी काम किया, 3 कंटेनर रख देते हैं, एक जगह एक ही कंटेनर रखते थे, अब हम लोग 3 कंटेनर रखते हैं। आपका जूठा भोजन बचा है उसको आप एक कंटेनर में झड़ा दीजिए, और फिर आप कचरे को एक कंटेनर में डालिए, जैसे फल के लिए स्टिक है, जो गाय के मुंह में ना चुभे, डॉगी के मुंह में ना चुभे, वो आप उसमें डालिए दूसरे कंटेनर में, और एक कंटेनर में थाली डालिए, तो थाली फिर उसमें बहुत सारा आता है, जो दाल एक साथ डालते थे तो भोजन सही पूरा बिखर जाता था, जहाँ चलना भी मुश्किल होता था बफर में, तो वो सब हमने बंद किया है, और हम कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम भी है, हनोदा के युवा संगठन है, आदर्श ग्राम हनोदा दुर्ग में, यादव समाज के युवा और सभी समाज के युवा हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से दूर दूर जा करके हमसे मिल करके काम कर रहे हैं। हमारा मुहिम तो MP तक भी पहुँच चुका है, और नगर निगम बालोद में भी, मैं कल नगर पालिका बालोद की अध्यक्ष
माननीय विकास शुक्ला जी से भी बात करके आई, यहाँ भी रिसाली नगर निगम में भी मैं कंटिन्यू अभी बात कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा दूसरे जिलों में भी अपनाया जा रहा है इसको। जिला पंचायत सी ओ सर से भी मिली, उन्होंने कहा कि आप और भी गांव में लिस्ट लेकर के जा करके आप महिलाओं को मोटिवेट करें मैडम, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। कलेक्टर साहब को भी अपन देख चुके हैं, काफ़ी सक्सेस है। तो मैडम बहुत अच्छी पहल है आपकी। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक आम जनता को आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश, छोटा सा संदेश अगर आप देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस एक ही निवेदन है हम सभी मानव से कि आप भोजन करा रहे हैं, 56 भोग रखते हैं आप अपने मेहमानों के लिए, एक दिन व्यवस्था रखते हैं तो आप पूरे भाव से भोजन कराते हैं, मैं उसके लिए सहृदय आभारी हूँ हम सब के लिए। लेकिन उसके बदले में आप धरती माता को प्लास्टिक खिला रहे हैं, उसी को मैं बंद करने के लिए कहूँगी कि आप उसके जगह में स्टील बर्तन बैंक का उपयोग कीजिए। आज जगह जगह स्टील बर्तन बैंक ओपन हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि कैटर्स वाले भी सिर्फ कागज का गिलास उपयोग करें और नहीं तो अपना स्टील बर्तन कांच का गिलास यूज करें, तो कचरा काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम कैटर्स को ही दे देते हैं भोजन व्यवस्था करने के लिए और उनके द्वारा ही उपयोग किया जाता है। तो मैं कैटर्स वालों से निवेदन करूंगी कि आप सहभागी बने पर्यावरण को बचाने के लिए, आपको भोजन व्यवस्था जो हम मानव के लिए चाहे जीव जंतु के लिए भोजन ही सबसे बड़ा एक माध्यम है हमारे लिए, तो उसी में जब हम इतना कचरा कर दे रहे हैं तो ये उनके माध्यम से भी बहुत सफाई हो सकती है कटर्स के माध्यम से। तो श्रद्धा मैडम बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, हम आपको सबसे पहले तो आपके इस पहल की बहुत बहुत बधाई देंगे और कामना करेंगे कि आप अपने इस मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी श्रद्धा उरेंद्र साहू, बहुत ही एक अच्छी विचार, बहुत ही अच्छी सोच लेकर के इन्होंने कदम बढ़ाया है और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं और ये जानते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है, तो हमें भी अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। किसी ने अगर एक अभियान छेड़ा है तो आइए हम भी उनका साथ दें, उनके अभियान में साथ चलकर इस अभियान को सफल बनाएं, क्योंकि ये अभियान अगर सफल होगा तो कहीं ना कहीं जिसे हम माँ कहते हैं, धरती माँ, तो ये अपने धरती माँ के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। दोस्तों कदम बढ़ाते हैं इनके अभियान की तरफ। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।